बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जफर अली शाह वर्सेस जनरल परवेज मुशर्रफ, पीएलडी 2000, सुप्रीम कोर्ट 869। ये मार्शल लॉ का वो दौर था जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट चल रही थी और जनरल परवेज मुशर्रफ ने 12 अक्टूबर 1999 को जो नवाज शरीफ गवर्नमेंट का कंट्रोल सीज किया और 13 अक्टूबर 1999 को कौम से खिताब किया। 14 अक्टूबर को जनरल परवेज मुशर्रफ ने एमरजेंसी नाफज की और ख़ुद को चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो डिक्लेयर कर दिया। इसमें असम्बलियों को प्रोविंशियल असम्बली और फेडरल असम्बली जो है वो ख़त्म कर दी गई, लेकिन प्रेसिडेंट को कहा गया कि वो अपना ऑफिस जो है वो कंटिन्यू करेगा। अब इस मार्शल लॉ के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई, आर्टिकल 184 सब आर्टिकल 3 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। लेकिन इसमें जो मेन डिस्कस जो लॉ पॉइंट पे जिसको बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया वो थी जफर अली शाह वर्सेस जनरल परवेज मुशर्रफ। अब इसके जो मेन इश्यूज थे जो सुप्रीम कोर्ट ने जो इश्यूज इसके फ्रेम किए उसमें सबसे पहले ये इशू फ्रेम किया गया कि क्या ये ज़रूरत थी, डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी जो है उसको डिस्कस किया गया और ये कहा गया कि डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी जो है वो इस सिचुएशन में लागू होता है, इम्प्लीमेंट होता है और उसकी ज़रूरत थी। सेकेंडली इस केस में ये कहा गया कि फेडरल गवर्नमेंट ने इतना मटेरियल प्रोवाइड किया है जिससे ये जाहिर होता है कि जो मिलिट्री इंटरवेंशन है वो बहुत ज़रूरी थी, हालात ऐसे थे कि आर्मी का यहाँ पे आना बहुत ज़रूरी था। अब वो एग्जेक्टिव जो एक्शन लिए गए थे उसको वैलिडेट डिक्लेयर कर दिया गया कि मुशर्रफ ने जो भी एग्जेक्टिव एक्शन लिए हैं वो वैलिडेट हैं। चौथा जो इशू था उसमें ये कहा गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 है वो हाईएस्ट एंड अल्टीमेट लॉ है, लेकिन उसके कुछ पार्ट्स जो हैं वो सस्पेंड किए जा रहे हैं ड्यू टू दी लॉ ऑर्डर जो है 1999 की वजह से। अब साथ में ये भी कहा गया कि जुडिशरी जो है वो अपना काम जारी रखेगी और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, लेकिन जो जजेस हैं वो दोबारा जो पीसीओ के तहत हलफ लेंगे। अब वो तमाम जजेस जो इस चीज़ पे एग्री हैं, जिनको ओथ जिन्होंने ओथ ले लिया है या जो ओथ लेने के लिए तैयार नहीं है या जिनको ओथ दिया नहीं गया, वो तमाम जजेस जो सुपीरियर कोर्ट्स के हैं वो दोबारा कभी भी रीअपॉइंट नहीं हो सकते। इसमें जो सेवंथ इशू था वो ये कहा गया कि गवर्नमेंट जो है वो अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म जारी करेगी और जजेस जो है वो सुपीरियर नहीं है, जजेस की भी अकाउंटेबिलिटी जो है वो की जाएगी। एक इशू ये भी उठाया गया कि जो परवेज मुशर्रफ का रिमूवल है वो वाइड है, उनको रिमूव नहीं किया जा सकता क्योंकि वो डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी के ज़रिए जो है वो आए हैं और उनके तमाम एक्शन जो है वो वैलिडेट हैं। और साथ में जो एक लास्ट इशू जो उसमें किया गया वो ये किया गया कि इनका जो रिजीम था, इनका जो अरसा था उसको 3 साल तक महदूद कर दिया गया इस केस में और कहा गया कि 3 साल के अंदर अंदर जो है वो परवेज मुशर्रफ इलेक्शन करवाएंगे और दोबारा डेमोक्रेसी को बहाल करेंगे। अब ये जो डिसीजन दिया गया इसमें जो हेड थे वो जस्टिस इरशाद हसन खान और इनकी जो बेंच था उसमें जस्टिस इफ्तिहार चौधरी भी शामिल थे। उन्होंने ये तमाम पिटीशन जो हैं और ये जफर अली शाह पिटीशन जो है उसको रिजेक्ट किया और ये एक लॉ बना दिया और वैलिडेट कर दिया कि जो जनरल परवेज मुशर्रफ साहब हैं वो खुद भी अमेंड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को।
सेकेंडली इसमें जो 12 अक्टूबर 1999 की जो पोजीशन थी उसको वैलिडेट डिक्लेयर किया गया, और उसमें जो डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी जो कि नुसरत भट्टो केस में भी डिस्कस किया गया था, उसकी ज़रूरत के तहत फॉर लिमिटेड टाइम जो है उनको तमाम एक्ट जो है वो वैलिडेट कर दिए गए, और 3 साल का जो है वो टाइम भी दे दिया गया कि 3 साल के अंदर अंदर जो है वो परवेज मुशर्रफ साहब इलेक्शन करवाएंगे और दोबारा डेमोक्रेसी को बहाल करेंगे। शुक्रिया।